कैसे हो आप? आप सबका खुशी के किचन में तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक रेसिपी दिखाने वाली हूँ, पर इनोवेटिव है, और वो है फॉक्सटेल मिलेट विद कैरेट पैनकेक रोल। ये मैंने WC के मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में चुनी है। ये इनोवेटिव रेसिपी के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देखेंगे हम। गाजर ग्रेट किया हुआ है, मिल्क पाउडर, नमक, इलायची पाउडर, केसर, ड्राई फ्रूट जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा। ये है फॉक्सटेल मिलेट, एक अंडा है, ये शक्कर है बारीक पाउडर, ये मोटी शक्कर है, ये मैदा है, ये दूध है। मिलेट यानी कंगनी, यानी मराठी में इसको राळे बोलते हैं। हम इसको भुनेंगे और इसके हम पाउडर बनाएंगे। भून के मिक्सर को लगा देंगे। ये बहुत ही पौष्टिक है, फाइबर है इसके अंदर बहुत, और ये बी विटामिन है इसके अंदर, प्रोटीन, आयरन। तो इसको हम सेके हैं, अभी हम इसका आटा बनाएंगे। इसको हिंदी में कंगनी बोलते हैं, मराठी में राय बोलते हैं। इसकी हम बासुंदी बनाएंगे। अभी मिलेट हम उसका आटा बनाएंगे मिक्सर में से। क्या आटा बनाए हम इसमें निकालेंगे। ये आधा लीटर दूध है, हमने इसको गरम किया है, और अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। अपने जितना मीठा लगता है उतना शक्कर डालना है। 3 टीस्पून शक्कर डाली हूँ, ये हिलाने का। अभी हम इसमें दूध मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर 3 चम्मच डालेंगे, क्योंकि अपने को बासुंदी बनाना है और इंस्टेंट बनाना है। इसको हम मिक्स करना है। अभी हम अगर बासुंदी दूध के बनाते रहेंगे तो आधा घंटा लगेगा हमको, इसलिए हम इंस्टेंट बना रहे हैं। ये हो गया, अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये मिलेट पाउडर डालेंगे। हम मिलेट की बासुंदी बना रहे हैं, ये 2 चम्मच डालेंगे। इसको हम सौते करते रहेंगे हमेशा, नहीं तो नीचे लग जाएगा। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और केसर डालेंगे, हो सके तो लेमन येलो कलर भी हम डाल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। उसमें केसर, ये इलायची पाउडर है, ये इलायची पाउडर है, थोड़ा जाफरान डालेंगे, जाफरान केसर डालेंगे इसके अंदर। तो इसके टेस्ट बड़े अच्छे आएंगे। इसको सौते करेंगे हम। अभी ये 10 मिनट में बासुंदी तैयार हो जाएंगे। ये है जब तक हम इंस्टेंट गाजर का हलवा बनाएंगे। चलिए देखेंगे, इसमें हम पूरा कटा हुआ गाजर डालेंगे। अभी हम इसमें कटोरा भर, बाउल भर ग्रेटेड गाजर डालेंगे, कैरेट डालेंगे। अभी हम इसके अंदर शक्कर की पाउडर डालेंगे, इंस्टेंट बना रहे ना, शक्कर की पाउडर डालेंगे। एज यू लाइक, जितनी शक्कर लगती है उतने ही डालो। बहुत मीठा लगता है तो ज्यादा डालो, कम लगता है तो कम डालो। मैं तो कम डालती हूँ। इधर भी काम चालू है, इधर भी काम चालू है। अभी हम इसके साथ मिल्क पाउडर डालेंगे। इंस्टेंट है इसलिए अभी ही मिल्क पाउडर डालेंगे, दूध डालेंगे नहीं, खवा नहीं डालेंगे, इंस्टेंट पाउडर पाउडर।
फिर हम इसको ग्रेटेड जो गाजर है, मिल्क पाउडर डाले हैं हमने, शक्कर डाले हैं, अभी हम इलायची पाउडर डालेंगे और ड्राई होने तक सौते करेंगे इसको। थोड़ा केसर भी डालेंगे, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसके अंदर थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। ड्राई होने के बाद हमारा ईस्टर गाजर का हलवा तैयार है। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत ही लाजवाब खुशबू, जाफरान, इलायची, हमारा गाजर में हमने दूध नहीं खवा नहीं और ये भी दूध इधर खिलाना है हमने। इसके बाद भी तैयार हो रही है। इधर लज्जतदार, जायकेदार, कलरफुल कैरेट हलवा बन रहा है। तब तक हम तीसरी चीज बनाएंगे जो है पैनकेक बैटर, जिसको हम 10 मिनट रेस्ट करने रखेंगे। चलिए देखेंगे, हम अभी ये अंडा डालेंगे इसके अंदर। हसबे जायका नमक, हर मीठी चीज में नमक डाल तो अच्छा ही लगता है, थोड़ा डाली हूँ। इसके अंदर बिल्कुल मामूली सी शक्कर, मामूली सी, देखो इतनी शक्कर, और फिर दूध डालेंगे इसके अंदर हम। हम इसके अंदर मैदा डालेंगे, इन्हें बैटर हमको 10 मिनट रखना है। सब इंजन करेंगे हम, फेटेंगे हम अच्छा। वाह कलर देखो, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखो अगर घर बनेंगे तो खीर हो जाएंगे, इसलिए हमने इंस्टेंट बासुंदी बनाए हैं। और ये भी हो गया है, गैस बारी बंद करेंगे, ऑफ करेंगे और उसको ठंडे के लिए हम रखेंगे। ठंडा होने तक हम रखेंगे। और ये बैटर बनाए हैं, देखो ऐसा बनाना है बिल्कुल ऐसा। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा वैनिला एसेंस डालना है, बिल्कुल थोड़ा, बस। अब इसको 10 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर हम गैस पर इसको पैनकेक बनाएंगे। हम अभी पैनकेक बनाते हैं। देखो 10 मिनट रेस्ट हो गया है, अभी तो इसका पैनकेक बनाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। ऐसे ही पैनकेक 3 बनाती हूँ मैं। इसके बाद फिर आपको बता क्या करना है। एक पैनकेक बनके तैयार हो गया, हम इस पर उतारेंगे अच्छी पैनकेक और बनाएंगे। ना है मुझे कितना अच्छा बना है, एक ही बारी से इसको सेकना है। क्रीम मिल्क हम व्हिप कर रहे हैं 5 मिनट, जब तक वो अच्छा ना बने। देखो कितना अच्छा व्हिप किया हमने, ऐसा होने निकाल ऐसा। ओके तैयार है, 5 मिनट में निकलेगा हलवा। हम ये पैनकेक कट करके इसमें डाल के हम रोल करेंगे। अपने को अच्छा लगता है उसके मुताबिक छोटा बड़ा रोल करना है। देखो कितना अच्छा दिखता है रोल, अगर ये निकला इसको चिपकाना चिपकता है। ये हम लाजवाब रोल और बासुंदी सर्व करेंगे। पहले हम नीचे नीले बासुंदी डालेंगे, कितना प्यारा कलर आया देखो जाफरान से, और टेस्ट भी बहुत प्यारी है इसकी। हम इसमें ये डालेंगे,
खूबसूरत और लाजवाब रोल बन गए हैं। हम इसको डालेंगे, सर्व करेंगे। पैनकेक गाजर रोल स्विमिंग कर रहे हैं, सब कुछ सेम बासुंदी डालती हूँ, सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, रोल हमारे लाजवाब बन गए हैं। इस पर अभी हम क्या करेंगे, व्हिप क्रीम ये जो बनाए है ना वो इस पर। छुपा रखते हैं अंदर, क्या है पता है, अंदर तो है गाजर के इंस्टेंट गाजर के हलवे का रोल, पैनकेक का रोल हो गया। कितना अच्छा लगा था इसके अंदर हम गार्निश करेंगे। देखिए फर्स्ट मिलेट बासुंदी विद कैरट पैनकेक रोल बन के तैयार हो गया। ये बनाओ, खिलाओ, खाओ, पियो, मजे से रहो।